हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी भी अच्छे होंगे और भले चंगे होंगे। तो आइए जी, कई दिनों के बाद करते हैं एक और नए व्लॉग की शुरुआत। तो वीडियो है सुबह के टाइम की। अभी टाइम हुआ है सुबह के 7:30 ही बजे हैं और बच्चों की है आज छुट्टी। तो दोनों बच्चे घर पे ही हैं, तो ऐसे ही मेरे आसपास घूम रहे हैं, क्योंकि उनको ना जब भी मैं किचन में काम करती हूँ तो और टाइम ना उनके मन में ये रहता है कि मम्मा कुछ ना कुछ खाने का बना रही होगी, तो वो ऐसे ही किचन के बार बार चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये बनाए हैं मैंने, व्रत के लिए बनाए हैं, क्योंकि मेरा भी व्रत है और आरव की बुआ जी आने वाली हैं तो उनके लिए बनाए थे ये। और ये तो मैं कभी भी बना लेती हूँ, क्योंकि इनको बनाने में ना सिर्फ 5-7 मिनट ही लगती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और व्रत वाले दिन ना अच्छे भी लगते हैं ये खाने में, हेल्दी भी हैं, तो भूख कम लगती है इनको खाने के बाद। तो अगर ये बनाओ तो सिर्फ एक बात ध्यान रखना है कि जिस टाइम पर चीनी मेल्ट हो जाए तो उसी टाइम पर हमें तिल और ये जो अपने सेक के हुए मखाने हैं उनको ऐड कर देना है, क्योंकि अगर ज़्यादा देर तक हमने गैस चला दी तो फिर ना ये जल्दी ही जल जाते हैं, जलने की स्मेल हो जाती है। और फिर हल्का सा गीला हाथ करके इनको एक एक कर देना है, खोल देना है, क्योंकि अगर ज़्यादा देर तक ये खट्टे रहे तो फिर ये चिपक जाएंगे आपस में। और ये देख लो 3-4 दिन से ना, वेदांशी ये चुन्नी को ओढ़ के घूम रही है। जिस टाइम पे मंदिर में कलश यात्रा हुई थी तो चाची जी ने उस टाइम पे ये चुनरी निकाल ली थी, तो ये इसको पता नहीं कहाँ से मिल गई है। तो 3-4 दिन से ये इसको ओढ़े हुए घूम रही है, तो बहुत मुश्किल से छीनी है ये इससे। जब ये रात को सो रही थी तो उस टाइम पर मैंने इसको छिपा के रखा था, तो मतलब चाची को दे दिया था। और ये देखिए, ये है सुबह के टाइम की क्लिप, मेरा है व्रत, मुझे मंदिर में जाना है। और बहुत बार ना ऐसा होता है कि जब हम ज्योत बत्ती करते हैं तो ज्योत है ना चलती हुई जो, तो वो एकदम से लुढ़क जाती है, तो उसको उसकी जगह पे ऐसे ही फिक्स करने के लिए उसमें या तो थोड़े से चावल के दाने डाल दे या फिर थोड़े से चीनी के दाने डाल दे, तो उससे ये फ़ायदा रहेगा कि उस ज्योत को ना नीचे से सपोर्ट सी मिल जाएगी, वो खिसकेगी नहीं। तो ऐसे ही किया है मैंने भी, जो ज्योत है उसमें थोड़ी सी चीनी डाल दी है जिससे कि ये ज्योत एकदम फिक्स रहेगी। तो ये वाली ट्रिक ज़रूर से ज़रूर ट्राई करके देखना, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो व्लॉग कई दिन पहले का है, ये रक्षाबंधन वाले दिन की क्लिप है, मेरा सोमवार का व्रत है। और ये कलश भी रखा हुआ था जो कलश यात्रा हुई थी, तो इसका जल आज मैं यूज़ करने वाली हूँ, और थोड़ा सा जल मैं शिवलिंग से लेके आई हूँ। तो सारा का सारा मतलब मैंने मिक्स करके दोनों को उसका पूरे घर में छिड़का दे दिया है। और ये देखिए, टाइम ना काफ़ी हो चुका है, टाइम अभी 11:30 बज चुके हैं। और 3-4 दिन से मेरा माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा था, बहुत ज़्यादा मतलब कि शांत नहीं था मन बिल्कुल भी। और जब मन शांत नहीं होता, मन खुश नहीं होता, तो कुछ भी ठीक से नहीं होता। तो लगी तो मैं सुबह की हुई थी, पर मेरा काम कुछ भी निपट नहीं रहा था। उसका मेन रीज़न क्या था कि एक तो आज रक्षाबंधन है, ये क्लिप जिस दिन की है ये रक्षाबंधन वाले दिन की क्लिप है, और उससे 2-3 दिन पहले 8 अगस्त का भाई का जन्मदिन था, और फिर इसी महीने में तीज का त्यौहार भी आया। तो इस वजह से मतलब कि ये वाला मंथ तो मेरा ऐसा गया है कि बस पूछो मत, बहुत ज़्यादा मतलब कि भाई बहुत ज़्यादा याद आया, बहुत सारा टाइम मेरा इसमें ऐसे ही रोने में निकल गया। और जब दिमाग में उथल पुथल चलती है ना, तो कुछ भी काम ठीक से नहीं होता, बस ये रहता है कि हाँ जैसे तैसे बस आप काम को धक्का देने वाला काम होता है, कुछ भी काम ढंग से नहीं होता है। तो मैं व्लॉग क्यों नहीं शेयर कर पाई थी, उसका मेन रीज़न ये है कि आरव के पापा के फ़ोन में बनाई थी मैंने पूरी की पूरी वीडियो, और वो चले गए फिर जन्माष्टमी से पहले ही चले गए थे, वो उज्जैन गए थे, तो उज्जैन से भी कुछ आगे गए थे मेरे ख्याल से 200-250 किलोमीटर, तो वो एक हफ्ते में वापस आए हैं। तो मेरे फ़ोन की जब स्टोरेज फुल हो जाती है तो मैं उन्हीं का फ़ोन यूज़ कर लेती हूँ। तो वहाँ से आने के बाद मैंने ये वीडियो ली, और ये सारी की सारी वीडियो कम से कम 3-3.5 घंटे की थी, जिसको काटा पिट्टी करके मैंने 11-12 मिनट में ही रखा है। तो काफ़ी टाइम लग जाता है वीडियो एडिट करने में, और फिर त्योहारों के आसपास वैसे भी घर पे बहुत सारा काम हो जाता है। और फिर आपको हाल फिलहाल पता है कि मैं अपना स्टडी पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर रखा है, क्योंकि और किसी ने पूछा था मेरे से कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो हाल फिलहाल मैं कर रही हूँ JBT स्क्रीनिंग की तैयारी। तो 28 तारीख को स्क्रीनिंग का टेस्ट है, तो मैं उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ, तो इसी वजह से मैं वीडियोज़ वगैरह नहीं डाल पाती, और फिर कुछ बच्चों के साथ काम भी हो जाता है।
तो ये देखिए जी, ये शाम के 6 बज चुके हैं अभी। जो सुबह का काम था वो मैंने निपटा दिया था, जो हमारे यहाँ पे सलूमन जैसे मनाई जाती है राखी पे, जैसे कि वो मैंने सारे रीति रिवाज अपने कर लिए थे। तो 2 बजे तक काम निपटा था मेरा। चाची भी अपने घर पे गई हुई है, तो उनका भी खाना पीना यहीं पे बनता है 3-4 दिन से, चाची और का भी। तो काम का बर्डन भी हाल फिलहाल मेरे ऊपर ज़्यादा था। तो ये है शाम के टाइम की क्लिप। अभी काजल दीदी के 5:30 बजे आना था उनको, पर वे हो गए थोड़ा सा लेट, क्योंकि जाम था बहुत ज़्यादा, तो इसी वजह से वो लेट हो गए। तो मैंने सोचा कि चलो उनके आने से पहले मैं उनके चाय नाश्ते की तैयारी कर दूं, क्योंकि उनका है व्रत, तो रोटी वगैरह तो का तो काम कुछ ऐसा ज़्यादा होगा नहीं। उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया था, सावन के सोमवार चल रहे थे। तो मैंने आलू बॉईल करके रख दिए थे 3:30-4 बजे से ही, और सुबह मैंने आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी, तो उसी टाइम पे उबाल दिए थे आलू तो मैंने सारे। मैं क्या फिर शाम को ना इतना ज़्यादा टाइम लगेगा, और आने के तो ये सोच रही थी कि भैया 4:30-5 बजे तक आ जाएंगे, पर काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि उनकी भी ननद आई हुई थी घर पे, तो सारा सब कुछ देख के चलना पड़ता है। तो ये देखिए जी, मैंने आलू की चाट बना दी है, और इसकी रेसिपी पहले मैंने कई बार शेयर कर रखी है, तो आप पहले वीडियो में जाके देख सकते हो, या फिर इस वीडियो के लास्ट में मैं उनका लिंक भी दे दूँगी। तो फिर एक बनाई थी मैंने कुट्टू की टिक्की, और सोचा तो मैंने ना काफ़ी कुछ था पहले कि भाई मैं उस दिन ये बनाऊंगी वो बनाऊंगी, पर मतलब कि आज के दिन ना मेरा दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा था, इतनी बार मैं रोई चुप हुई, मतलब कि मेरा काम ना बहुत ज़्यादा लेट लतीफ चल रहा था, कुछ भी ठीक नहीं था, मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं था। क्योंकि बहुत बार ना ऐसा हो जाता है कि हम कोशिश तो बहुत करते हैं कि नहीं हम ये भी संभाल लेंगे वो भी संभाल लेंगे, पर बिल्कुल नहीं होता उस हिसाब से, क्योंकि इमोशंस हैं वो अपने हिसाब से चलते हैं, बहुत बार उन पे कंट्रोल नहीं हो पाता। कौन ले आया? तो बहुत बार ऐसा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा हिम्मत रखने की कोशिश करती हूँ, पर बहुत बार ऐसा होता है कि कंट्रोल छूट जाता है, तो उसमें मेरी ही हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी कि अब ये देख लो अभी 8 बज चुके हैं, रात के 7:30-8 का टाइम है, तो मैंने आरव की और वेदांशी की भी राखी नहीं बंधवाई थी। तो काजल दीदी ने अभी यहाँ पे सभी को राखी बांध दी है, और बच्चों की भी राखी उन्होंने ही बंधवाई है। और जो दिखता है ना वो हमेशा वही नहीं होता कि भाई हाँ जो दिख रहा है वही है, मतलब कि रियल लाइफ में वो चल रहा है। बहुत कुछ ऐसा होता है कि अपना आसपास का जो माहौल है वो ठीक रखने के लिए इंसान को बाहर दिखावा करना पड़ता है। तो सेम ऐसा ही मेरे साथ चला हुआ है कि भाई अंदर से मुझे पता है कि मेरे अंदर क्या कुछ चल रहा है, तो मैं किस हिसाब से जो सिचुएशन है उसको संभालने की कोशिश कर रही हूँ। तो मतलब मुझे ना ये रहता है कि भाई मेरी वजह से आसपास के जो मेरे बंदे हैं, मतलब कि जो मेरे परिवार वाले हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल है, वो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए कि भाई ठीक है दुख मेरा है तो मैं उस दुख को सबके ऊपर नहीं थोप सकती हर टाइम, क्योंकि ये तो ना भाई वही बात है, ये तो पूरी उम्र का है, वो भूलने वाली चीज़ नहीं है कि भाई हाँ वो भूला जाएगा, या मतलब कि 2.5 साल हो गए हैं भाई को, एक भी सेकंड ऐसी नहीं हुई है कि वो मेरे मन में से निकला है। इवन मिनट की बात करूँ तो वो तो बहुत दूर है, यानी कि सोच सकते हो आप, चाहे मैं पढ़ रही हूँ या मैं कोई भी काम कर रही हूँ, हर सेकेंड वो मेरे मन में रहता है। तो और ये पूरा उम्र चलेगा, ये मुझे पता है कि भाई, क्योंकि वो कोई छोटी चीज़ नहीं है कि भाई कोई छोटी चीज़ है। तो किसी ने सही कहा है कि भाई माँ बाप का साथ सदा का नहीं रहता, पर भाई बहन का एक ऐसी बॉन्ड होती है कि वो हमेशा के लिए होती है, पर भगवान ने टाइम से पहले वो सब चीज़ें हमसे छीन ली हैं। तो मुझे खुद नहीं पता कि भाई किस हिसाब से क्या कुछ करूँगी मैं। तो ये देखिए जी, उसके बाद राखी वाखी का काम निपट गया था, मैंने बनाई थी सामकिए की खीर, और फिर चाची और के लिए भी रोटी बनाई थी, मतलब कि चाची जी और के लिए भी रोटी राटी बनाई, घर पे सभी के लिए बनाई। तो काम वाम निपटते हुए 11:30 बज गए थे। फिर उसके बाद 12:30 बजे तक, एक बजे तक मैं और काजल दीदी बैठे ऐसे ही बातें करते रहे। तो फिर सुबह की थी काजल दीदी की ड्यूटी, दोपहर की ड्यूटी थी, तो उनको 10:30 बजे तक निकल लेना था। तो घर के सारे काम निपटा के, जो झाड़ू पोछे का वह नॉर्मल काम होता है डेली रूटीन का, वो सारा निपटाने के बाद फिर मैं लग गई हूँ अभी खाने की तैयारी में। और सब्जी मैंने बनाई है मटर पनीर की, और बूंदी का रायता बनाया है। तो काजल दीदी कर रही है यहाँ पे मेरी हेल्प, तो आटा भी उन्होंने गूंथ दिया है और पूरी भी उन्होंने ही बनवाई थी। और जिस टाइम पे ना ऐसा होता है कि हाँ भाई थोड़ा जल्दबाजी का काम होता है, तो उस टाइम पे मैं थोड़ा काटा पिट्टी का काम कम ही करती हूँ, तो मैंने जो प्याज है टमाटर है वो मिक्सी जार में ही पीस लिए थे, अलग अलग से उनका पेस्ट बना लिया था।
तो ये देखिए जी, ग्रेवी हमारी बनके तैयार हो चुकी है और इसकी रेसिपी मैंने पहले कई बार शेयर कर रखी है। तो अभी सब्जी भी मेरी छुक के तैयार हो चुकी है, बच्चे खेल रहे हैं अभी बाहर, तो टाइम 9:30 बज चुके हैं और 10:30 बजे तक उनको चले जाना है। तो बस जल्दी जल्दी सी लग रही हूँ कि भाई हाँ जल्दी से काम निपट जाए। तो अभी मैंने यहाँ पे आधा कटोरी मलाई है उसको फेंट के डाल दिया है, तो अच्छा टेस्ट आता है मलाई से। और या फिर ग्रेवी में ही पनीर ऐड कर दे तो तब भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये देख लो, अभी मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तो बाहर बहुत तेज़ बारिश आ गई है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी डिस्टरबेंस भी हो रही होगी वीडियो में। तो देखिए जी, ऐसे फुली फुली पूरियाँ तैयार हैं। तो ये हैं काजल दीदी के कपड़े और ये ग्रीन वाला सूट मैंने दिया है, बाकी मम्मी ने दिए हैं और रेखा दीदी ने दिए हैं। तो बस अभी काजल दीदी के जाने का हो चुका है टाइम, क्योंकि फिर उनको ड्यूटी भी जाना है, तो उनको बोल दे टाटा बाय बाय। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बाहर आ रही है अच्छी हल्की हल्की सी बारिश आ रही है।